नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका करियर प्लैनेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर कोर्स की इस श्रृंखला में आज हम सीखने वाले हैं वर्ड पेड के बारे में। जी हां दोस्तों, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था नोट पेड के बारे में, और जैसा कि मैंने आपको बताया, टेक्स्ट एडिटर्स में नोट पेड सबसे छोटा भाई है, उसके बाद वर्ड पेड, और उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आज की क्लास में वर्ड पेड को कंप्लीट सीखने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वर्ड पेड को स्टार्ट करने के लिए आप टास्क बार में सर्च बॉक्स में वर्ड पेड टाइप कर लीजिएगा। वर्ड पेड जैसे आप टाइप करेंगे, ऊपर आपको डेस्कटॉप ऐप वर्ड पेड दिखाई देगी। इस पर आप या तो क्लिक कर दीजिए या एंटर प्रेस कर दीजिएगा तो वर्ड पेड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अदरवाइज आप स्टार्ट मेनू का प्रयोग करते हुए ऑल एप्स में फिर से स्क्रॉल डाउन करते हुए W पर आपको आना है। W पे विंडोज़ एसेसरीज़ में लास्ट में आपको दिखाई देगा वर्ड पेड। यहाँ से भी आप वर्ड पेड को ओपन कर सकते हैं। और सबसे आसान तरीका है कि आप इसका शॉर्टकट अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर बना लीजिए। उसके लिए फिर से आपको स्टार्ट मेनू में जाना है, स्क्रॉल करते हुए W पर, फिर विंडोज़ एसेसरीज़ में वर्ड पेड को यहाँ से आप ड्रैग करते हुए अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर ड्रॉप कर दीजिएगा। ऑटोमेटिकली वर्ड पेड का शॉर्टकट आपको मिल जाएगा, और यहाँ से डबल क्लिक करते हुए आप वर्ड पेड को ओपन कर पाएंगे। वर्ड पेड जैसे ही आप ओपन करेंगे, आपको यहाँ पर एक अलग इंटरफेस दिखाई देगा जो हमने नोट पेड में देखा था। तो नोट पेड में दोस्तों इंटरफेस बिल्कुल अलग था, वर्ड पेड का इंटरफेस बिल्कुल अलग है। यहाँ आप देखिएगा, दोनों सॉफ्टवेयर मैंने आपके सामने ओपन कर दिए हैं। ये हमारा नोट पेड है और ये वर्ड पेड है। वर्ड पेड में हमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जबकि नोट पेड में सिर्फ आप सिंपल टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। नोट पेड में जो फाइल हम तैयार करते हैं उसका एक्सटेंशन .txt होता है, जबकि वर्ड पेड में तैयार की गई फाइल का एक्सटेंशन .rtf होता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। आइए अब वर्ड पेड के इंटरफेस को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ऊपर की तरफ आपको जो बार दिखाई दे रही है, इसे हम टाइटल बार बोलते हैं। इसमें आपको डॉक्यूमेंट का टाइटल दिखाई देगा, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और कैंसिल बटन दिखाई देंगे, और कुछ क्विक एक्सेस बटन्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। इन्हें हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं, जिसमें आपको सेव का बटन मिल रहा है, अंडू और रिडू का बटन मिल रहा है। दोस्तों, इसके बाद हमें यहाँ पर फाइल मेनू देखने को मिलता है, साथ में होम और व्यू दो टैब्स मिलती हैं। जैसे आप होम पर क्लिक करते हैं या व्यू पर क्लिक करते हैं, तो उसके साथ साथ जितने भी कमांड्स आपको पहले नोटपैड में मेनू के रूप में मिल रहे थे, वैसे ही कमांड्स अब हमें यहाँ पर रिबन के रूप में मिलते हैं, और इसकी वजह से हमारा काम भी आसान हो जाता है। अब यदि यहाँ पर आपने गलती से डबल क्लिक कर दिया तो ये रिबन हाइड हो जाता है, छुप जाता है। इस पर डबल क्लिक फिर से आपको करना है तो ये आपकी स्क्रीन पर हमेशा बने रहेंगे। नीचे आपको एक स्केल दिखाई दे रहा है, इस स्केल को हम रूलर कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल रूलर है। और इसके बाद कर्सर यहाँ पर पेज पर ब्लिंक कर रहा है, ये हमारा डॉक्यूमेंट एरिया है, पेज है जहाँ पर हम अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे। और नीचे की तरफ लास्ट में बॉटम में आपको स्टेटस बार यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये इसका इंटरफेस है, और यहाँ काम करने के लिए हमें फिर से टेक्स्ट टाइप करना होगा। और होम टैब के अंदर पहले आपको कट, कॉपी और पेस्ट दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक हमारा नोटपैड वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा, ताकि बेसिक सारे ऑपरेशंस आपके क्लियर हो जाएं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर फॉन्ट सेक्शन दिया गया है। फॉन्ट मीन्स टेक्स्ट, अक्षर, और टेक्स्ट के साथ काम करने के लिए हमें यहाँ पर बहुत सारे कमांड दिए गए हैं। दोस्तों, किसी भी ऑप्शन का यूज़ करने से पहले आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना आवश्यक है। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए आप माउस के कर्सर को टेक्स्ट के आगे रखिएगा, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए आपको इस तरह से इसे ड्रैग करना है माउस को, और जहां तक आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है वहां तक ले जाकर इसे छोड़ देना है। अब आप इन्हें गहरा काला करना चाहें तो बोल्ड बटन का यूज़ कर सकते हैं, इटैलिक यानी हल्का सा तिरछा करना चाहें टेक्स्ट को तो तिरछा कर सकते हैं, अंडरलाइन का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से उन्हें हटाना चाहें तो फिर से आप क्लिक करेंगे, जो इफेक्ट आपने अप्लाई किया था वो वापस से हट जाएगा। अगला हमारे पास ऑप्शन दिया गया है स्ट्राइक थ्रू। आप यदि अपने टेक्स्ट में बीच में लाइन लाना चाहें, टेक्स्ट के बीच में लाइन करने के लिए हमें स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन का यूज़ करना पड़ता है।
और उसी के साथ में आपको मिलेगा सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। कई बार आपने मैथमेटिक्स में या केमिस्ट्री में फिजिक्स में आपको बहुत सारे टेक्स्ट टाइप करने होते हैं, जैसे मैंने H2O लिखा है। अब ये टेक्स्ट काफ़ी छोटा है इसलिए मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से टेक्स्ट की साइज़ को बड़ा कर दूँगा। टेक्स्ट की साइज़ हमारी बड़ी हो रही है। अब H2O में दोस्तों 2 को मुझे नीचे की तरफ लाना है, तो नीचे के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है सब स्क्रिप्ट। देखिए H2O 2 यहाँ पर नीचे की तरफ आ गया है। यदि आप ऐसा कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं जिसमें आपको पावर के रूप में ऊपर की तरफ किसी टेक्स्ट को लाना हो तो आपको यूज़ करना पड़ता है सुपर स्क्रिप्ट। जैसे स्क्वायर आपको कभी लिखना है तो उसके लिए आपको सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करना होगा। आगे दे रखा है टेक्स्ट हाइलाइटर। आप किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट मार्क करना चाहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट हाइलाइटर का यूज़ करना होगा। आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन हमें मीटिंग में डिस्कस करनी है, इस लाइन के बारे में भी बात करनी है, तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। और टेक्स्ट हाईलाइट करने के बाद यदि आप हाईलाइटर को हटाना चाहें तो फिर से आपको टेक्स्ट हाईलाइटर में जाना है और नो कलर पर क्लिक कर देना है। इसी के साथ में आपको फॉन्ट कलर भी मिलेगा। आप अपने टेक्स्ट के फॉन्ट कलर्स, करेक्टर्स के कलर्स को चेंज कर सकते हैं, जो कलर आपको ठीक लगे यहाँ से उस कलर का यूज़ करते हुए आप डेकोरेटिव टेक्स्ट को तैयार कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको 2 ए दिखाई दे रहे हैं, एक ए ग्रो फॉन्ट। यदि फॉन्ट की साइज़ को हमें बड़ा करना है तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा, फॉन्ट साइज़ इंक्रीज हो रही है, और जस्ट इसके पास में श्रिंक फॉन्ट ऑप्शन मिलेगा जिसके माध्यम से आप फॉन्ट की साइज़ को छोटा कर सकते हैं। यही ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलेगा जहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं, नंबर्स के माध्यम से आप टेक्स्ट की साइज़ को बड़ा कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। उसके जस्ट पास में आपको फॉन्ट स्टाइल मिलेगा, आप अलग अलग स्टाइल में अपने टेक्स्ट को टाइप करने के बाद डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे उस तरह का फॉन्ट स्टाइल यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला सेक्शन हमारा होम टैब में पैराग्राफ है। यहाँ पर पैराग्राफ्स को अलाइन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। बेसिक अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, जब हम टाइप करते हैं तो लेफ्ट से ही लिखना चालू करते हैं, और यदि आप किसी टेक्स्ट को सेंटर में लाना चाहें तो आप सेंटर अलाइनमेंट का यूज़ कर सकते हैं। जनरली सेंटर अलाइनमेंट हमें कोई टाइटल लिखना होता है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया यू कैन विन, ये हमारा डॉक्यूमेंट का टाइटल है, हम इस टाइटल को सेंटर में लाना चाहते हैं तो हमें सेंटर पर क्लिक करना है, तो ये टेक्स्ट सेंटर में हो गया। लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और राइट अलाइन, आप राइट पे ले जा सकते हैं, सेंटर में ला सकते हैं या लेफ्ट में सेट कर सकते हैं। इसी तरह से आगे हमें ऑप्शन मिलता है जस्टिफाई। जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि पैराग्राफ के आगे की तरफ यानी लेफ्ट साइड में सारे टेक्स्ट बराबर हैं, एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, पर पीछे की तरफ देखिएगा तो जिगजैग हो रहा है, टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। तो पीछे और आगे दोनों तरफ से पैराग्राफ के टेक्स्ट लाइंस बराबर हो जाएं, उसके लिए हमें जस्टिफाई का यूज़ करना होता है। लेकिन इसको यूज़ करने के लिए आपको उस पैराग्राफ में अपने कर्सर को रखना है, माउस का कर्सर उस पैराग्राफ में होना चाहिए, उसके बाद आपको जस्टिफाई बटन का यूज़ करते हुए लाइंस को दोनों तरफ से बराबर करनी है। अगला आपको ऑप्शन मिलेगा पैराग्राफ। इस ऑप्शन के माध्यम से आप अपने पैराग्राफ में लेफ्ट में कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं, राइट में कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं, पर्टिकुलर फर्स्ट लाइन में कितनी जगह छोड़ते हुए फिर पैराग्राफ को सेट करना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ मिलेंगे। लाइन स्पेसिंग, एक लाइन और दूसरी लाइन में कितना स्पेस आपको देना है वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसी तरह से आपको ऊपर मिलेगा डिक्रीज इंडेंट और इसके पास में इंक्रीज इंडेंट। दोस्तों जब भी हम पैराग्राफ टाइप करते हैं तो इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट के माध्यम से पूरे पैराग्राफ के आगे हम जगह छोड़ सकते हैं। देखिए आप जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली पैराग्राफ के आगे जगह छूट रही है इंक्रीज इंडेंट, और यदि आप डिक्रीज इंडेंट करेंगे तो फिर से पैराग्राफ के आगे छोड़ी गई जगह को हटा सकते हैं। अगला ऑप्शन आपको मिलेगा लिस्ट बनाने के लिए। इस ऑप्शन के माध्यम से आप बुलेटेड लिस्ट या नंबर्ड लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखिएगा हमने 3 लाइंस टाइप की हुई हैं, कंप्यूटर कीबोर्ड माउस। इन लाइंस को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से बुलेट्स लगा सकते हैं या नंबर्स का यूज़ करते हुए अलग अलग प्रकार से लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया लिस्ट वाला, उसके बाद एंटर करने के बाद जब जब आप कोई टेक्स्ट टाइप करेंगे ऑटोमेटिकली उसके आगे बुलेट्स लगने चालू हो जाएंगे। यदि आप बुलेट लिस्ट को एंड करना चाहें तो आपको 2 बार एंटर प्रेस करना है और लिस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। लिस्ट के आगे आपको ऑप्शन मिलेगा लाइन स्पेसिंग का। दोस्तों जो आपने पैराग्राफ टाइप किया है यदि आप उसमें लाइन स्पेसिंग चेंज करना चाहें
बाय डिफॉल्ट सवा लाइन का गैप रहता है। यदि आप उसे बढ़ाना चाहें, डेढ़ डेढ़ लाइन का गैप करना चाहें, एक लाइन का गैप करना चाहें, दो लाइन का गैप करना चाहें, तो वो आप यहाँ से लाइन स्पेसिंग को सेट कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो सेक्शन है वो इंसर्ट से संबंधित है। इस सेक्शन के माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट पिक्चर पर आप क्लिक कीजिएगा और जिस जगह पर फोटोग्राफ रखे हुए हैं उस लोकेशन से कोई भी पिक्चर को आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं। इस तरह से एक और सॉफ्टवेयर होता है पेंट ब्रश, उसमें आप जो भी डिज़ाइन तैयार करेंगे उस डिज़ाइन को भी आप अपने वर्ड पेड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पेंट ड्राइंग ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ आप जो भी ड्रॉ करेंगे, हालांकि आने वाली क्लास में मैं पेंट ब्रश के बारे में आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, किस तरह से आपको इसका यूज़ करना है वो आपको डिटेल में मैं बताऊँगा, पर यहाँ पर वर्ड पेड के साथ आप पेंट ब्रश यूज़ करना चाहते हैं उसमें जो भी ड्राइंग करेंगे वो ड्राइंग आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट में वर्ड पेड में इंसर्ट हो जाएगी, आपको यहाँ पर दिखाई देगी। दोस्तों अगला ऑप्शन मिलेगा आपको डेट एंड टाइम इंसर्ट करने के लिए। आपका कर्सर जहाँ पर भी होगा वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो सिस्टम की डेट है वो आप यहाँ से इंसर्ट कर पाएंगे। जिस फॉर्मेट में आप इंसर्ट करना चाहें उस फॉर्मेट को सेलेक्ट कीजिएगा और कर्सर की लोकेशन पर आपको डेट या टाइम जैसा आप यहाँ पर सेट करना चाहें वो आप यहाँ से कर पाएंगे। इस तरह से इंसर्ट ऑब्जेक्ट एक सॉफ्टवेयर में दूसरे सॉफ्टवेयर को कॉल करने के लिए या एक सॉफ्टवेयर में दूसरे सॉफ्टवेयर की लिंक की गई फाइल्स को लाने के लिए इंसर्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उन सब की लिस्ट आपको दिखाई देगी, या फिर ऐसे सभी सॉफ्टवेयर जो वर्डपैड के साथ लिंक हो सकते हैं उनके नाम आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब यहाँ से आप एक्सेल की कोई वर्कशीट, पावर पॉइंट का कोई प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट का कोई स्लाइड, वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट आप वर्डपैड में इंसर्ट कर सकते हैं। हम आगे आने वाले वीडियोस में इस ऑप्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं इस ऑप्शन को स्किप कर रहा हूँ। इसी तरह से फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल, इन सारे ऑप्शंस को हम पहले से ही नोटपैड में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला टैब था होम टैब, अगला है व्यू टैब। इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट की जूमिंग को सेट कर सकते हैं, जूम इन, डॉक्यूमेंट का जूम बढ़ रहा है, यही ऑप्शन आपको नीचे स्टेटस बार में भी दिखाई देंगे। माइनस और प्लस के साथ, प्लस के साथ आप जूम इन कर सकते हैं, माइनस के साथ आप जूम आउट कर सकते हैं, और जब आप जूम इन और जूम आउट कर लें और आपको नॉर्मल जूम करना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है 100% नॉर्मल जूम को रिप्रेजेंट करेगा। दोस्तों यहाँ पर व्यू टैब में आप रूलर को और स्टेटस बार को हाइड कर सकते हैं और शो कर सकते हैं। रूलर ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो देखिएगा ऊपर से जो स्केल आ रहा था वो गायब हो गया है, हट गया है, चुप गया है। वापस लाने के लिए भी आपको यहाँ पर क्लिक करना है, हटाने के लिए भी यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस तरह से नीचे बॉटम में स्टेटस बार आप हाइड कर सकते हैं और वापस शो भी कर सकते हैं। अगला सेक्शन है वर्ड रैप। दोस्तों जैसा कि नोटपैड में हमने पढ़ा था कि नोटपैड में जब आप टाइप कर रहे थे पेज का एंड होने पर भी लाइन चेंज नहीं हो रही थी, कर्सर नेक्स्ट लाइन में नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ आप देखेंगे जैसे ही हम कोई लाइन टाइप करेंगे तो लाइन ऑटोमेटिकली रूलर के एंड होने तक ही चलेगी और उसके बाद ऑटोमेटिकली कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। उसके ऑप्शन आपको वर्ड रैप में मिलेंगे। अभी आप नो रैप कर देंगे, नोटपैड की तरह ही ये लाइन एंड नहीं होगी, आगे तक चलती जाएगी। और रैप टू विंडो कर देंगे तो रूलर का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, जहाँ तक आपको विंडो दिखाई दे रही है, पूरा जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है वहाँ तक लाइन चलेगी। और रैप टू रूलर कर देंगे तो आपका रूलर जहाँ एंड हो रहा है वहीं तक लाइन टाइप करने के बाद एंड हो जाएगी और कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अगला ऑप्शन मेजरमेंट यूनिट्स का है कि आप वर्ड पेड में किस तरह से मेजरमेंट करना चाहते हैं, इंचेस में, सेंटीमीटर्स में, पॉइंट्स में, पिकास में, तो बाय डिफॉल्ट इंचेस ही है और आप इसे ही रहने दीजिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने डिटेल में वर्ड पेड के बारे में सीखा है, उम्मीद है आप सारे ऑप्शंस की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।